प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतु श्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपे सर्वविदकंद श्री राधाकांत नमस्तुते दत्तकांचनगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि कृष्णभक्ति नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों स्वर्ज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सबको मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद जी, उनका नाम ही नारद है। नर मतलब होता है रस और द मतलब होता है देना, सबको जो रस देते हैं। और नर मतलब होता है ज्ञान, द मतलब होता है देना, सबको जो कृष्ण भक्ति की ज्ञान देते हैं। नर मतलब होता है आसक्ति और द मतलब काटना। जो संसार का सारी आसक्ति और बंधनों को काट देते हैं इसलिए इनका नाम श्री नारद। न रद मतलब जो रहती नहीं, जो हर समय सक्सेसफुल रहते हैं, जो कभी फेल नहीं होते, इसलिए इनका नाम भी नारद है। इसलिए नारद जी, इनके बगैर भगवान का कोई भी लीला नहीं, सब लीला इनकी वजह से। रामायण देख लो, इनकी वजह से रामायण, भागवत देख लो, इनकी वजह से भागवत है। इसलिए इनके बगैर प्रभु का कोई भी लीला नहीं है। इसलिए कहती है बृहत भागवतामृत भी इनकी वजह से है। इसलिए ये सबको प्रेम भक्ति, सबको कृष्ण भक्ति रस देना चाहते हैं। और जगत में सबसे बड़ी भगवान का प्रिय पात्र कौन है, यद्यपि इनको पता है, लेकिन तब भी हमारे सामने भगवान का सबसे जो बड़े प्रिय पात्र को हमारा सामने उपस्थापन करना चाहते, दिखाना चाहते। इसलिए नारद जी एक अज्ञ बन करके हैं, एक अज्ञानी बन करके और एक एक भक्तों को पास में जा जा करके उनकी महिमा को गाते हैं, फिर और एक भक्तों को पास में जाते हैं। इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे नारद जी कैसे प्रयाग से सुर किया, प्रयाग से ब्राह्मण को पास में सुर किया, ब्राह्मण की भक्ति देख कर बोले आप सबसे बड़े भगवान कृपा पात्र। ब्राह्मण बोले कृपा पात्र में आप नहीं जानते हो, आप देखा नहीं है ना, इसलिए मेरे को कृपा पात्र कह रहे हो। कहाँ पर जाओ बोले तुम्हारे दक्षिण भारत में, वहां पर जाओ देखो भक्ति कैसे है, कैसे कितने सब जगह में भगवान की लीला से, कितने 108 द्वीप पर नारायण है, हर जगह पर प्रभु नारायण विद्यमान है। जहाँ जहाँ वही अर्ण छत्र है, जहाँ पर उत्सव भगवान की हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, हैं सब जगह में हरि कीर्तन हरि चर्चा सर्वत्र है। जब नारद जी दक्षिण भारत में आए, राजा की भक्ति को देखा, कैसे परिवारों को साथ में कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बोले बाबा अरे अगर हमारे पास थोड़ी सी कोई पैसा हो जाए ना,
इतना अहंकार हो जाता, अरे हम साधारण व्यक्ति हैं, उनको प्यार नीचे नहीं पड़ता है, लेकिन पूरा देश का राजा होते हुए भी अपना रानी बच्चे सबको लेकर के अपना हाथों से ठाकुर जी की सारे सेवा पूजा करते, सारे महोत्सव अपना हाथों से कर रहे, सारे ठाकुर जी की सेवा अपना हाथों से करते हैं। आप भगवान की सबसे बड़े कृपा पात्र, भगवान की सबसे बड़े भगत आप ही। बोले हम भगत है, हमारे अंदर भक्ति का भय नहीं, हम तो मरते लोग में रहने वाले, हम तो मरणशील है, हम तो आध्यात्मिक आदि देवी का आदि भौतिक ये सारे दुख में निष्पेषित है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम लोग हर समय दुखी है, अज्ञानी है, अल्प ज्ञान है, मरणशील है। हाँ भक्त देखना चाहते हो ना, कहाँ जाओ, स्वर्ग में जाओ, महाराज इंद्र को देखो, उनकी भक्ति को देखो। इसलिए पहले हम सुन रहे थे कैसे श्री राजा स्वर्ग का महिमा को बता रहे थे, स्वर्ग क्या चीज है, ये स्वर्ग है जहाँ पर कोई मरते नहीं, हर समय एकदम तीन है जगह है। इसलिए सारे इंसान जिनको पूजा करते हैं, जो बड़े दीर्घ जीवी है, हाँ बड़े लंबे समय तक जो रहने वाले और हमारी इच्छा को जानने वाले, जहाँ इच्छा उधर चलते हैं, जहाँ पर रंभा उर्वशी मेनकाए, जहाँ पर एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, जहाँ पर पारिजात पुष्प, जहाँ पर अयावत हस्ती, जहाँ पर सुधर्मा सभा, जहाँ पर नंदन कानन, फिर जहाँ पारिजात पुष्प, जहाँ पर कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष का एक फूल में इतने शक्ति है, आप जो कुछ मांगोगे एक फूल से, खाना पीना पहनना घर मकान दुकान जो कुछ मांगोगे एक फूल सब इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। और वहां पर सुरभि गाभी है, एक गाभी में इतने शक्ति जो मांगो वो सारी इच्छाओं को ये पूरी कर सकते हैं। इसलिए श्री राजा ने कहा अगर आप भक्त देखना चाहते हैं ना, कहाँ जाओ, स्वर्ग में जाओ। और यहाँ पर स्वयं भगवान उपेंद्र बनकर के, उपेंद्र मतलब श्री बामन भगवान बनकर के, जिनकी छोटे भाई बनकर के विद्यमान है, बस नारद सुनकर जी महाराज इंद्र की कहते हुए अपना वीणा उठाया और आकाश मार्ग में पोर चले नारद। उनका जान कैसे, जैसे चाहे ये मन जितने तेजी से गति करता है उनका मन भी उतना, जितने मन जितने तेजी से गति करता है उनका शरीर भी उतना तेजी से गति करता है। इसलिए नारद जी बिना बजाते बजाते हरि कीर्तन करते करते बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय आधार हरि गोविंद जय जय सभा है वहाँ पर है, सभा का नाम क्या है, सुधर्म सभा है। कहते वो सभा में एक विशेषता है, अगर 10 व्यक्ति आए ना बैठ जाए, लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी,
तो एक कुर्सी फुल नहीं होगा। अगर सब व्यक्ति आ जाएंगे सब बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। अगर 1000 लोग आ जाए सब बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। अगर 1,00,000 लोग आ जाए तब भी बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। अगर करोड़ों लोग आ जाए सब बैठ जाएंगे लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। मतलब एक कुर्सी कभी भरने नहीं, एक कुर्सी हर समय वो कुर्सी खाली रहेगा। हैं वहां पर देखो भगवान गरुड़ जी को पर बैठे हुए भगवान वामन देव और उनकी पत्नी उनकी सेवा कर रही है। वहां पर इंद्र और सारे देवता लोग बैठे हुए और भगवान सबका आशीर्वाद दे रहे। बोले कोई चिंता नहीं, कोई डर भय नहीं, क्योंकि जब पहले दैत्य लोगों का ताकत आता है ना वो सबसे पहले चढ़ाई करते हैं स्वर्ग में, सबसे पहले स्वर्ग में चढ़ाई करेंगे इंद्र को ऊपर में। इसलिए कहते कोई चिंता नहीं, मैं हूँ हर समय तुम्हारे ऊपर में, मेरा हाथ है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते है। और वहां पर बड़े सुंदर नृत्य कीर्तन हो रहा था, बीच बीच में वृंदावन बिहारी लाल की जय, बीच बीच में सब जय जयकार कर रहे हैं है? और वहां पर श्री इंद्र अपना सहस्र नेत्रों से असुरों को विसर्जन करते हुए भगवत कीर्तन कर रहे थे। इतने में श्री नारद जी वहां पर पहुंचे, बोले महाराज इंद्र की जय। बोले जगत में अगर सबसे कोई भगवान की बड़े कृपा पात्र है, भगवान के सबसे बड़ी बड़े भक्त हैं, बोले महाराज इंद्र आप सबसे बड़े भगवान की भक्त हो। सब जहाँ पर साक्षात भगवान हर समय तुम्हारे पास में विद्यमान है। अब अभय देने वाले जितने चंद्र सूर्य ग्रह जितने हैं सब आपका अधीन है। और रहते हैं कहाँ पर? बोले अमरावती में, जहाँ पर वो विश्राम करता है सचिव साथ में, वो अमरावती है, है? इसलिए आपका अधीन में सारे देवता आपका अधीन में रहते हैं। इसलिए कृष्ण का सबसे बड़े अगर कोई कृपा पात्र भगत है तो आप सबसे भगवान के परम भगत है। आज इतना सुनते ही इंद्र का अपना कान में अंगुल डाल दिया। बोले क्यों? देखो ये भक्ति की एक लक्षण है, कोई भी भक्त कभी अपना प्रशंसा सुनना नहीं चाहता। अगर किसका प्रशंसा करे बड़े खुश हो समझना वो भक्त नहीं है। क्योंकि ये भक्ति की एक लक्षण है, हम पहले सुने थे ना, जिस वृक्ष में जितने फल आ जाए वो वृक्ष अपने आप उतना झुक जाती है। इसलिए जिसको अंदर में जितने भक्ति आए क्या होगा वो उतना झुक जाएगी। इसलिए कोई भी भक्त कभी भी अपना बड़ाई करनी सुनना कभी नहीं चाहते हैं। हर समय अगर कोई बड़ाई हो भले हम थोड़ी कर सकते, सब गुरु जी की कृपा है, हैं? सब गुरु जी की कृपा, सब ठाकुर जी की कृपा, उनके इच्छा के बगैर पता भी नहीं मिलता है। हम बद्ध जीव, हमसे क्या हो सकता है, हमसे कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ हुआ सब ठाकुर जी की कृपा से, और सबके सब श्री गुरु जी की कृपा से सब कुछ हुई है। वो कभी अपना प्रशंसा कभी नहीं करता है, हमने ऐसे कर दिया ना, हम नहीं करते थोड़ी हो सकता था, मेरे बच्चे से ऐसे हुआ ना, नहीं। कोई भी भक्त कभी ऐसे कभी बोल नहीं सकता है। इसलिए जब उनकी महिमा गाए ना, इंद्र ने अपना कान में अंगुल डाल दिया, बोले हाँ, बोले राम 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 राम, आप मेरे को भगत कह रहे हो, आपको शायद पता नहीं, जानते हो इंद्र पद को ये बलि महाराज ने छीन करके ले गया था, हाँ? इसलिए हमारी पिताजी हैं और मैया जी बड़े कठोर तपस्या की, फिर भगवान इनके पुत्र बामन रूप में आए और आ करके उन्होंने क्या किया, फिर स्वर्ग राज्य को उनको फिर वापस दिया। और कपट पूर्वक भगवान बामन देव जब गए बलि महाराज के पास में, बहुना बनकर गए और उन्होंने बोले, डायरेक्ट बोले नहीं, उन्होंने झूठ मूठ बोल करके कपट किया भगवान ने। बोले मेरे को, हम ब्राह्मण हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें केवल 3 पग चलने चाहिए। बलि महाराज ने कहा, तू जैसे बहुना है ना तेरा बुद्धि भी बहुना है, तू जैसे छोटा तेरे बुद्धि भी छोटा, देखे ना मैं तो इतने छोटे लग रहे हो, फिर 3 पग जमीन में आ गए हो, तेरे चरण तो इतने छोटे छोटे, 3 पग में क्या होगा? भगवान क्या कहते, देखो कितने भगवान झूठ बोले वहां पर। बोले देखो ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं होनी चाहिए, अल्प में संतोष होनी चाहिए, इसलिए हमें 3 पग जमीनी चाहिए,
हमें एक जगह पर बैठ कर भजन करना, बस तीन पग में एक जगह पर बैठने का जगह हो जाएगा। फिर बलि महाराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो के लिए थोड़ा सामान लो, कमंडल है, छतरी है, उसको तो रखने के लिए कोई जगह भी चाहिए ना, इतने से क्या होगा, कोई बात नहीं, तुमने बोल दिया कोई बात नहीं, मेरे पास में बहुत बड़े बड़े दैत्य है और उनका जो चरण है ना बहुत बड़ा बड़ा प्यार है, उनका चरण से मगवा करके दिला दूंगा, कोई चिंता नहीं। भगवान कहते देखो हम किसका छुआ हुआ वस्तु भी नहीं लेते, भगवान झूठ बोले, किसका छुआ हुआ वस्तु नहीं लेते हैं, इसलिए हमको देखो तीन पग जमनी चाहिए। भैया अगर तुमने तीन पग जमनी चाहिए फिर तुमने इतना पैर लंबा क्यों किया, अपना पैर में माफ करके लो ना, इतने प्यार इतना लंबा किया, भूर भूव मोह जन तप और सत्य लोग तो चरण पहुंचा दिया है? और फिर अतल बीतल तलातल पातल सुतल लोग तो अपना चरण पहुंचा दिया, भैया अपना चरण माफ कर लो ना, इतने जैसे बोले वैसे लो, बढ़ाने का क्या जरूरत है, है? सबके सब तो ले लिया सबके सब, फिर क्या किया, बोले बताओ अभी तीसरे पग कहाँ रखूं, बोले गरुड़ ये अपना बाकियों को रखा नहीं कर पाया, उसका नाक फांस पर मैं बांध दो, फिर बांध दी है। इसलिए गोपियां कहती हैं कौवा जैसा ना खाता भी और ठुकराता भी, कहती ये ऐसे जितने काले सब ऐसे है। इसलिए यहाँ पर श्री इंद्र कह रहे हैं देखो भगवान हमको स्वर्ग राज्य दिलाने के लिए भगवान को भी हमारे लिए कपटता करना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा, तभी हमको स्वर्ग राज्य दिया। हाँ देखो आप कह रहे हो स्वर्ग में मैं इंद्र हूँ कितना बड़ा, जब दैत्य में ताकत आता है ना सबसे पहले उनको चढ़ाई स्वर्गों पर करते हैं, मार मार कर भगा देते हैं आपको, और बलि महाराज हमें भगा दिया वहां से, और जितने इंद्र चंद्र जितने पोस्ट है ना अपना दैत्यों को दे दिया, और हमें जितने यज्ञ भाग वही ग्रहण किए, हम तो भूख के मारे इतने दर दर भटक गए, इतने दुखी हुए जो सोच भी नहीं सकते हो, हमको बड़े कह रहे हो। हाँ देखो स्वर्ग में विशेष करके दो चीज है जिसके लिए स्वर्ग की इतने महानता, बोले दो चीज किया कि वहां पर एक है पांचजात वृक्ष है, हैं एक कल्प वृक्ष है, दो वृक्ष वहां पर है, लेकिन भगवान ने ये दो वृक्ष को स्वर्ग में इसलिए इतना महिमा, लेकिन भगवान ने वो दो वृक्ष को ले गए, बोले कहाँ स्थापन किया, और वहां पर जो सुधर्मा सभा है, हैं सुधर्मा सभा, उन्होंने भगवान स्वर्ग से लेकर के जो भगवान कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे उन्होंने द्वारका में वो दो चीज को स्थापन कर दिया। बोले एक दिन क्या हुआ, कृष्ण अपना महिषियों के साथ में बैठे हुए, नारद जी बड़े कौतुक वो स्वर्ग गए थे, एक पारिजात फूल वहां से लेकर के आए, और कृष्ण जब सब महिषियों के साथ में बैठे हुए थे वो फूल कृष्ण को पकड़वा दिया, बोले कृष्ण ये महिषियों में जो तू जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है ना ये फूल उसको दे दो। कृष्ण तो फंस गए क्योंकि कृष्ण जब रुक्मिणी के पास में रहते हैं, बोले रुक्मिणी तेरे को जितना मैं प्रेम करता हूँ ना और किसी रानी को इतना प्रेम नहीं करता, जब सत्यभामा के पास में रहते हैं तू सबसे ज्यादा मेरी प्यारी है, जब लक्ष्मण के साथ में रहते हैं बोले देख तेरे को जितने मैं प्यार करता हूँ और किसको को भी इतना प्यार करता है, भगवान तो सबको कहते हैं हम तू ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा जो सबसे ज्यादा प्यार है उसको तो, कृष्ण तो फंस गए, अब तो सारे पोल खोली जाएगी हमारे, कृष्ण तो डर गए। नारद जी ने कहा प्रभु मेरे पास कोई समय नहीं, अब जल्दी जल्दी करो मेरे को जाना है। भगवान ने क्या किया, वो पास में रुक्मिणी सबसे बड़ी रानी है तो फूल उन्होंने रुक्मिणी को दे दिया, तो रुक्मिणी कौन है, बोले ये चंद्रावली की अंश से आई है, लेकिन उसको पास में बैठी हुई थी सत्यभामा, ये सत्यभामा कौन है, बोले राधा जी की अंश से ये सत्यभामा, और राधा रानी है ये पाप स्वभाव है, जब सत्यभामा ने देखा उन्होंने फूल वो सोच रहे थे फूल मेरे को देगी क्योंकि राधा जी के अंश से है ना, जो चंद्रावली के अंश से वो श्रेष्ठ है, शायद बोल रहे थे कृष्ण हर समय कहते बोले चंद्र सत्यभामा सबसे ज्यादा मैं तेरे को प्रेम करता हूँ, लेकिन इसलिए सोच रहे थे शायद सब रानी सोच रही थी फूल मेरे को देंगे लेकिन वो फूल दे दिया उन्होंने रुक्मिणी को। फिर सत्यभामा कहाँ जाए, फिर तो प्यार भटकती हुई क्रोध में तमतमाती हुई बात सभा छोड़कर अपने घर में चली गई और अपना मान भवन में रोते रहे। कृष्ण ने कहा नारद जी बड़े गड़बड़ी कर दी,
ठहर गए, सतभामा के ऊपर में हाथ रखते ना, सतभामा हाथ को फेंक दिया, बोले आप ऊपर में जितने काले हैं ना अंदर से उतना काले हो, सबका सामने मेरे नाखून कटवा दिया। आप बताते मेरे को जितने प्रेम करते और किसको प्रेम नहीं करते, अब दुनिया को बता कर चला गया तुम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। कृष्ण ने कहा तू चिंता क्यों कर रहे हो, एक फूल के लिए इतना चिंता कर रहे हो, एक फूल दिया ना, मैं तो रुक्मिणी को एक फूल दिया, तेरे लिए मैंने स्वर्ग से पारिजात वृक्षों को मैंने उखाड़ करके ला करके तेरे घर को सामने ज्यादा बोलूंगा। जो एक फूल नहीं दे सका वो कहते हैं स्वर्ग से पारिजात वृक्षों को ले आए, इतने झूठ बोलते हो। इतने में कृष्ण ने कहा चलो ले चलो, फिर भगवान गरुड़ को बुलाया और गरुड़ के ऊपर में सत्यभामा को बैठाया और लेकर के स्वर्ग में गए और इंद्र से प्रार्थना किया मेरी पत्नी मान किया है आप एक वृक्ष दे दो। इंद्र कहा वृक्ष स्वर्ग का इसलिए महत्व है, यहाँ पर पारिजात वृक्ष है इसलिए स्वर्ग की इतने महिमा, अगर ये पारिजात वृक्ष मर्त्य जगत में चला गया स्वर्ग की स्वर्ग तो ही नष्ट है, स्वर्ग का स्वर्ग तो नहीं रहेगा, इसलिए हम वृक्ष नहीं दे सकते हैं। फिर भगवान ने कहा फिर वृक्ष नहीं दोगे तो मैं तो प्रार्थना की फिर मैं अपना पराक्रम दिखाऊ, पराक्रम दिखा दो। फिर तो कृष्ण अपना पराक्रम दिखाया, जितने देवता एक साथ में लड़ने के लिए 33 करोड़ देवता एक साथ में टूट पड़े भगवान के ऊपर में। फिर भगवान अपना सुदर्शन चक्र को बुलाया, धनुष बुनाए, सारंग धनुष बुलाए और ऐसे युद्ध किया, सबके छका छुड़ा दिए और सबको उन्होंने परास्त किया। परास्त करके देवता देखते देखते उन्होंने वृक्ष को उखाड़ लिया और उखाड़ करके गरुड़ को पीठ पर रखे और ये मरते जगत में आए और सत्यभामा का घर के सामने बो दिया। आओ सत्यभामा खुश हो। फिर सत्यभामा ने किया कि फिर सब रानियों को बुलाया अपना घर में, किस लिए बुलाया, बोले ये मत समझो कृष्ण सबसे ज्यादा रुक्मिणी को प्रेम करते हैं, उसको तो केवल एक फूल दिया था मेरे लिए पेड़ लिया, इसलिए ये चीज दिखाने के लिए फिर सत्यभामा सबको बुलाया अपना घर में। इसलिए यहाँ पर इंद्र कहते हैं यदि ये दो चीज के लिए ये स्वर्ग की महिमा है, लेकिन भगवान स्वर्ग का सारे महिमा खत्म कर दिया, वृक्ष भी ले गए और उन्होंने द्वारका में सुधर्मा सभा भी भगवान स्थापन किया। बोले कहाँ स्वर्ग के महत्व कहाँ रह गए, स्वर्ग कोई महत्व ही नहीं रह गया। फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया है, भगवान कृष्ण ने इंद्र पूजा है, इंद्र पूजा कितना दिन से ब्रजवासी ये इंद्र पूजा कर रहे थे, लेकिन कृष्ण इंद्र पूजा बंद करवा दिया, बोले ब्रजवासियों ये इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, ये जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे हो ये ब्रज का ये प्रत्यक्ष देवता श्री गिरिराज गोवर्धन, इसलिए आप इनसे जो कुछ मांगोगे, इसलिए इनका नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब इनसे आप जो कुछ मांगोगे धन दौलत पुत्र परिवार संसार का सुख शांति जो कुछ मांगोगे ये गिरिराज गोवर्धन सब इच्छा पूरी करेगा, इसलिए इंद्र पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, पूजा करना तो किसकी पूजा करो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, बोले से गिरिराज महाराज की जय। इसलिए कृष्ण ने इंद्र के लिए जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ है बालूशाही डोसा इडली सांबर दाल बाटी चूरमा जो कुछ बनाए था ना, जितना सब कुछ बनाए थे इंद्र के लिए, और इंद्र है उसको पता है साल में जैसे घर कोई उत्सव होता है ना त्योहार उत्सव उत्सव होता है, साल में कोई बढ़िया उत्सव हो जो दिन बढ़िया बढ़िया खाना बने हम क्या करते हैं एक साल से इंतजार करते हैं, भैया वो दिन कब आएगा जब घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा और बढ़िया खाना मिलेगा है इंतजार करते। इसलिए इंद्र क्योंकि सारे ब्रजवासी 84 करोड़ के ब्रजवासी बढ़िया बढ़िया खाना 365 गांव से खाना ला करके इंद्र पूजा कराते थे और इंद्र एक साल से इंतजार करता था साल में एक दिन बढ़िया खाना मिलता, लेकिन कृष्ण ने क्या किया उसको खाना दर्ज कर दिया, बोले जरूरत नहीं इंद्र पूजा करने का, अगर किसको पूजा करना चाहते हो ना किसको पूजा करो बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, और जितने सब खाना बनाया था ना वो सारे को सारे लेकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र पूजा बंद करवा दिया और इंद्र का जितने घमंड था ना इसलिए इंद्र ने 7 दिन तक उन्होंने मुसलाधार से बारिश
भोले गिराया, वज्रपात कराया, लेकिन लास्ट में कृष्ण सारे अभिमान को दूर कर दिया और कृष्ण को शरण में लेना पड़ा, नाक रगड़ना पड़ा कृष्ण को, चरण को माफी मांगना पड़ा लास्ट में। और भगवान ने बड़े उसको शासन किया, बोले इंद्र तेरे अंदर में अभिमान आ गया था, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो ये ब्रजवासी सब भूखे मर जाएंगे। तुम्हें पता ही ब्रजवासी कौन है, ये ब्रजवासी और कोई नहीं मेरा अभिन्न स्वरूप श्री राधा रानी है। और ये गोपियां ये राधा रानी के कायक भी होंगे, राधा जी की एक एक भाव ही एक गोपी रूप धारण की, ये जितने सखा है मेरे अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु है, ये बलदेव प्रभु से सारे सखा लोग प्रकट हुए। और जो वृंदावन जो धाम है, ये वृंदावन धाम कोई कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे कोई। तुम्हें पता नहीं ये ब्रज क्या है, यहाँ पर एक धूल में इतने शक्ति, तेरे जैसे कितने इंद्र को प्रकट कर सकते हैं, तेरे जैसे कितने स्वर्ग को प्रकट कर सकते हैं, यहाँ की एक धूल का नाम इतने शक्ति। इसलिए यहाँ का जो धूल नहीं चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष, यहाँ था चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष पानी अमृत, यहाँ पर बोलना ही भगवान का स्तुति है। इसलिए उन्होंने इंद्र कहता है भगवान मेरे सारे जितने अभिमान था ना, जितना अहंकार था, भगवान सारे अहंकार को ठाकुर जी सारे अहंकार खत्म कर दिया, सारे अभिमान को ठाकुर जी खत्म कर दिया, उन्होंने खत्म करके अपना गिरिराज गोवर्धन की महिमा बढ़ाए। इसलिए फिर आप कह रहे हो भगवान की बड़ी कृपा पात्र हो, भगवान फिर एक खांडव वन था जिसको भगवान ने पूरा जला कर खांडव वन को भी नष्ट कर दिया है, है? इसलिए भगवान में जितने अहंकार था जितने अभिमान था, भगवान सारे अहंकार अभिमान को भगवान मेरा चकनाचूर कर दिया। इसलिए भैया हम भगवान की कृपा पात्र नहीं, फिर किसको कृपा पात्र, बोले तेरे पिता नारद जी के पिता। नारद जी का पिता कौन है, ब्रह्मा है। कहते जैसे भूर भुव और स्व सात लोग है ना, भूर भुव स्व मतलब स्वर्ग, फिर उसको ऊपर में मोह जन तप और सत्य, जो सत्य लोग है ये सबसे ऊंचाई लोग से सत्य लोग है, इसको ऊपर में और कोई लोग है नहीं, ये चतुर्थ जो चतुर्दश जो ब्रह्मांड है सबसे ऊंचा लोग श्री ब्रह्म लोग है। बोले नारद जी अगर कोई भगवान की सबसे बड़े कृपा पात्र है ना तेरे पिताजी हैं, ब्रह्मा जी कितना दिन तक परम आयु के जानते हो नारद जी, केवल तुम्हारे पिताजी का एक दिन में ना हमारे 14 इंद्र बदल जाते हैं, तुम्हारे पिताजी का जब एक दिन होता है ना मेरे जैसे 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनु आ जाते हैं, उसका एक दिन में इतना बड़ा है। और उनका एक दिन में इसी जगत में एक बार भगवान कृष्ण भगवान राम और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जगत में उनका एक दिन में एक बार आते हैं। इसलिए ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, कितना बड़ा कौन बोलेगा, हाथ उठा, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, हाँ देखो ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा है, कलिजुग का जो परम आयु 4,35,000 साल, कलिजुग का परम आयु बोले द्वापर युग को उसका 2 गुना कर दो कितना होगा 8,64,000। कहते तृतीय युग को कलिजुग का 3 गुना कर लो जितना होगा, फिर सत्य युग को कलिजुग को 4 गुना कर दो जितना होगा, अभी सबके सब मिला दो, जिसको मिलाने पर एक महायुग होता है, है? ऐसे 71 महाजुग में एक मन्नत है, और ऐसे 14 मन्नत मनु जो बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसलिए कहते 1,000 चतुर्युग बीत जाती है, और इसलिए जो तृतीया युग में ना हर तृतीया में प्रभु राम नहीं आते, हर तृतीया में राम नहीं और कोई आते, हर द्वापर में ये भगवान कृष्ण हर द्वापर में नहीं आते, और हर कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में आते हैं। इसलिए अभी ये जो कलयुग है ये कलयुग का विशेष महत्व है, अभी जो द्वापर युग गया है कृष्ण इसी द्वापर में आए, अभी जो तृतीया युग गया है उसमें भगवान
राम है, इसलिए राम श्री कृष्ण फिर चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए ये जो कलिजुग को सबसे ज्यादा महत्व बताया, इसको धन्य कलिजुग बताया, दूसरे दूसरे कलिजुग जैसे ये कलिजुग नहीं, ये कलिजुग का विशेष महत्व। पहले हम सुन रहे थे ना, देवता लोग भी जन्म लेना चाहते मानव रूप में, कहाँ पर, विदेश में, अमेरिका में, लंदन में, फ्रांस में, रशिया में, नहीं बोले भारत में, बोले क्या मुसलमान घर में, ना क्रिश्चियन घर में, बोले हिंदू घर में, हिंदू घर में जन्म लेना चाहते है। इसलिए आप लोग जो भजन करने के लिए आए ना, पहले जन्म में देवता लोग थे सबके सब, आप लोग विश्वास करते हो, आप लोग देवता थे विश्वास करते हो, आप लोग विश्वास नहीं, देवता से भी बड़े थे आप, ये भागवत कहता है। और जो सत्य तृतीय द्वापर जो एकादश स्कंद में बताया, सत्य तृतीय द्वापर, सत्य युग में धर्म पूर्ण रूप में था, तृतीय युग में भगवान राम, द्वापर युग कृष्ण आए, लेकिन सत्य तृतीय द्वापर युग का जो जीव है वो भगवान से प्रार्थना करते, बोले प्रभु हमें ये कलयुग में जन्म दे दो, हाँ कलयुग में जन्म दो, बोले क्यों, बोले ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जो प्रेम के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन कलयुग में महाप्रभु आसानी से वो प्रेम दे, ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं। महाप्रभु तो कहते हैं हमारे के प्रेमानंद ठाकुर एक बढ़िया भजन गाते हैं, कहते हैं बोले ए मन गौरंग बिना नहीं यार है ना अवतार, अबे की होए छे है ना प्रेम परचार, दुरमति अति पतित पाषंडी प्राणे न मारिल तारे, हरि नाम दिया हृदय सोधिल जाचि गिया घरे धरि, समझ रहे हो बंगला। इसलिए ये कह रहे हैं बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतार कभी हुए नहीं और कभी हुए नहीं, बोले क्यों, बोले ये चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु इतने कृपालु, बोले जैसे रामा अवतार में रावण थोड़ी सी इधर उधर किया ना उठाया धनुष और खत्म, कृष्णा अवतार में कोई उल्टा पुल्टा क्या उठाया चक्र सब खत्म कर दिया, लेकिन महाप्रभु अवतार में उनका सर फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु का, बलदेव प्रभु का और माधाई, लेकिन कहते भैया मेरे छी कल से गाना ताई बोले के प्रेम, भले तुमने सर फोड़ दिया भैया कोई बात नहीं, एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, एक बार जोर से बोलो हरे उन्होंने मारे नहीं, इसलिए सबको उन्होंने प्रेम प्रदान किया, सबको प्रेम देकर के सबको उन्होंने उद्धार कर दिया संसार से। इसलिए दूसरे दूसरे युग में जो कठोर तपस्या करते थे जो प्रेम को पाने के लिए महाप्रभु कलयुग में आसान से, ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, थोड़े चार नियम पालन करो, चार नियम क्या पालन करो, जुआ मत खेलो, उसी तरह का नशीली वस्तु मत लो, पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटका पुटका सब चीजों को मत लो, हैं, और अवैध रूप में स्त्री संग मत करो, और कोई जीव हिंसा मत करो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन मत खाया करो, बस इतना नियम पालन करो और थोड़ी सी भगवान का नाम ले लो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। महाप्रभु सबको ब्रज प्रेम दे दिया, जब सब के सब ब्रज में निवास हो जाएगा, राधा रानी की दासी बनकर सब चले जाएगा, वो भी बाप को प्राप्त हो जाएगा, खबर इतने थोड़ी सी परिश्रम से इतने थोड़ी सी करने पर इतनी बड़ी चीज महाप्रभु जीव को प्रदान किया। इसलिए ये कलयुग में आप लोग जो आए ना महाप्रभु धारा में, विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु धारा में आए हो, हैं, आप लोग ने सत्य तृतीय द्वापर युग में भी आए हो, देवता रूप में भी जन्म लिए, फिर कलयुग में
महाप्रभु का प्रेम को पाने के लिए आप लोगों का एक इंसान बन कर आए हैं, इसलिए आप लोग साधारण नहीं, बड़े सौभाग्य वाले। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी हैं, श्री यहाँ पर श्री यहाँ पर कहते हैं श्री जो ब्रह्मा जी की एक दिन में, नारद जी कहते ब्रह्मा की एक दिन में एक बार श्री महाप्रभु आते हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो देखो नारद जी, भगवान की जो सबसे बड़े कृपा पात्र है ना, कौन है? बोले तेरे पिताजी ब्रह्मा। जहाँ पर सरसा पुरुष है, जटाधारी भगवान निवास करते हैं, हैं? सख्या दुर्ग की सेवाओं को ग्रहण करते हैं। जाओ तुम, बोले कहाँ जाओ? बोले जाओ तुम सत्यलोक में चले जाओ। सत्यलोक में जा करके देखो तेरे पिताजी कितने सौभाग्यवान हैं। पास नारद जी अपना वीणा को उठाया और उन्हें वीणा उठा करके बोले जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा सभा लगा हुआ और वहां पर श्री ब्रह्मा जी, उनके कितना सर है? कहते उनका 4 सर है। और वहां पर देखा उनको 8 आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, आंसुओं की झरी। और वहां पर सबके सब हरि कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन उत्सव चल रहा है और वहां पर सबके सब जय जयकार हो रहा है। इतने में नारद जी इसको देख करके जाकर के बोले बोले पितामह ब्रह्मा जी की जय। बोले पितामह ब्रह्मा, सचमुच से भगवान के सबसे बड़े कोई कृपा पात्र हो, भक्त हो आप ही। आप जैसे जगत में कोई बड़े नहीं आपके जैसे। बोले क्यों? बोले सबसे जो श्रेष्ठ लोक में आप निवास करते हो और यहाँ पर साधारण जीव नहीं पहुंच सकता है। ब्रह्मा कौन बन सकता है? बोले स्वधर्म निष्ठ सतत जन्म भी कुमार ब्रह्मा। ब्रह्मा वही बनेगा जो व्यक्ति अपना जिस वर्ण जिस जात में वो जन्म ग्रहण करता है, अगर अच्छे तरह से अगर 100 साल तक अपना वर्ण और आश्रम धर्म को अच्छे तरह से कोई पालन करेगा ना, तभी जाकर कोई ये ब्रह्म पद को कोई प्राप्त कर सकता है। सभी ये ब्रह्म पद को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे ऊंचाई पद श्री ये ब्रह्म पद है। आप सर्वज्ञाता है, सब जानते हो। इसलिए ब्रह्मा मतलब होता है ब्रह्मा एव सर्वविद्ध भवति। ब्रह्मा मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। और आपकी अधीन में जितने दिग्पाल है सब आपका अधीन में, सारे इंद्र भी आपका अधीन में, चंद्र भी आपका अधीन में, जम भी आपका अधीन में, वरुण भी आपका अधीन में है, सबके सब आपका अधीन में काम करने वाले है। आप जैसे जिसको नियुक्त किया है वो ठीक वैसे कर रहे हैं। और दुनिया को बनाया किसने? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने बनाया, सृष्टि करता श्री ब्रह्मा जी। इसलिए हे पितामह ब्रह्मा, आप भगवान के सबसे बड़े कृपा पत्र, आप तो स्वयं भगवान हो।
नारद जी बताती है आप तो साक्षात भगवान ही आप ही हो, आपसे बड़े कोई है नहीं। जब इतना सुनाना ब्रह्मा जी अपना आठ कान है, चार सर है ना, आठ कान में सीधा बोल डालते हैं हमने राम 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 राम। मैं तेरे को कितना बार मैंने समझाया मैं भगवान नहीं हूँ, कितना बार तेरे को बोला मैंने, हाँ इतना बार समझाया तभी तुम मेरे को भगवान कह रहे हो। जानते हो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माया है ना, ये माया विश्व ब्रह्मांड को नचा रही है, ये माया की अधीन में हम रह करके, हाँ इनकी माया की एक कटाक्ष से ये विश्व ब्रह्मांड को पागल बना देते हैं भगवान, सारे माया को द्वारा हमें भी माया के अधीन में हम हैं। इसलिए जब महाप्रलय होता है, हाँ आतंतिक लय में ये ब्रह्म लोक तक भी नष्ट हो जाता है, इसलिए हर समय हम डरे हुए हैं, मुक्ति हमें कैसे मिले, मुक्ति हमें कैसे मिले, हम तो डरे हुए हैं क्यों दुनिया ध्वंस होगा तो हम भी उसमें ध्वंस हो जाएंगे, हम डरे हुए। इसलिए बेटा तुम कितना बार समझाया मैं भगवान नहीं, भगवान नहीं तुम्हें भगवान भगवान कह रहे हो। हाँ अरे ब्रह्मा जी बोले देखो जानते हो मैंने कितने अपराध ठाकुर का चरण किया, पर अपनी कमी बताए। बोले क्या अपराध किया? बोले ये हिरण्यकशिपु जब उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की, आराधना करते 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 ना इतने उन्होंने कठोर आराधना की, जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बोले वर मांगो, बोले हमें अमर वर दे। बोले भैया मैं स्वयं अमर नहीं, तेरे को मैं कैसे अमर बनाऊंगा, ये अमर वर मैं नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। उसने सोचा ब्रह्मा जी तो बूढ़े हो गए, इसलिए ऐसे वर मांग लू ना जैसे अमर बन जाए। इसलिए उन्होंने जितने मृत्यु का सारे मार्ग को बंद कर दिया। बोले दिन में नहीं बनूंगा, बोले ठीक है। बोले रात में नहीं बनूंगा, बोले तथास्तु। बोले घर में नहीं बनूंगा, बोले तथास्तु। बोले बाहर में नहीं बनूंगा, तथास्तु। बोले किसी आपका श्रेष्ठ प्राणी में को दरा नहीं, बोले तथास्तु। बोले आकाश में नहीं, पृथ्वी में नहीं, बोले तथास्तु। बोले किसी महिमा में नहीं, बोले तथास्तु। आपका श्रेष्ठ प्राणी को द्वारा नहीं, बोले तथास्तु। जितने मृत्यु का मार्ग उन्होंने सब उन्होंने बंद करवा दिया। बोले भैया वर तो बहुत लोग मांगे लेकिन तेरे जैसे हद कर दिया, कमाल कर दिया, उन्होंने कमाल कर दिए। ऐसे उन्होंने अमर वर मांग लिया, बोले अमर हो ही गया, अमर हो ही गया। लेकिन भगवान तो किसी ना किस तरह से उसको मार ही डाले, लेकिन जैसे वो अमर हो गया सोच रहा था। इसलिए आपको पता होगा उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, आग में डाल दिया, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, और काल कोठरी में बंद कर दिया, जहर पिलाया, पत्थर बांध करके समुद्र में फेंक दिया, और जितने देश में बोल दिया मेरे देश में कोई हरि कीर्तन नहीं कर सकता, तो जितने संतों को सब जेल में बंद कर दो जो भजन करने वाले, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते, हरि नाम नहीं कर सकते, मतलब इतने उसने उपद्रव मचाया, हाँ इतने उपद्रव मचाया। जब भगवान नरसिंह अवतार में जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किया, जब वध किया वो इतने भयंकर रूप था भगवान की, उनको वध करने के बाद ऐसे लग रहा था जैसे शंकर स्वयं डर गए, क्या प्रलय हो गया, हाँ शंकर सोच रहे भैया प्रलय का देवता तो मैं हूँ, मेरे को बोले बगैर तो प्रलय नहीं होगा, ये क्या हुआ है। इतने में सारे 33 करोड़ देवता आ गए, भगवान इतने क्रोधित अवस्था में थे, इतने क्रोध था भगवान की। शंकर जी भगवान को संतुष्ट करने के लिए आए, उनका नंदी बाहर, लेकिन जब देखा आधा शेर और आधा नर, इतने भयंकर ऐसे दहाड़ मारे ना, वो नंदी पूछ करके भागे, शेर खा जाएगा, हाँ बैल भागे वहां से, शंकर भी गए थे। इतने में ब्रह्मा जी आए, हैं जब ब्रह्मा जी आए भगवान तुमने इसको वरदान दिया था और मेरे भक्तों को इतने सताया, हाँ तुमने वरदान दिया, भगवान से टेढ़ी नजर से देखे तो ब्रह्मा वहां से भागे वहां से, हाँ फिर लक्ष्मी को प्रार्थना की, बोले माँ आप ही ठाकुर जी को संतुष्ट कर सकते हो। इतने में लक्ष्मी बोले अरे ठाकुर शांताकारम भुजग शयनम, भगवान का बड़े शांत रूप, भगवान का भगवान इतने मीठे है उनको संतुष्ट करना थोड़ी मेरे लिए कोई कठिन है। बस वो तो आरती की थाला लेकर के आई, आरती की थाला लेकर के आई, उन्होंने ऐसे दहाड़ मारी, लक्ष्मी भी ये रूप कभी देखा नहीं, आधा नर आधा
इंसान क्या भयंकर, क्या उनकी आग बाल जैसे खड़े हुए, आग जैसे चंद्र सूर्य चल रहे, क्या भयंकर। लक्ष्मी तो आरती की थाला ऊपर पहन के भागी, बोले मैंने प्रभु का ये रूप कभी देखा नहीं है, कभी देखा नहीं। फिर किस तरह से प्रहलाद आए तो भद्रों का क्रोध को उन्होंने शांत किया किस तरह से। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे को भगवान तुमने शासन किया, बोले तुमने इसको वरदान दिया था और मेरे भक्तों को इतने सताए, खबरदार कभी ऐसे वरदान नहीं देना। इसलिए भगवान मेरे ऊपर इतने डांट लगाया, आप कह रहे मैं भगवान की भक्त कितने सताया है, मेरे वजह से भक्तों को इतना कष्ट हुआ। फिर कहते हैं आपको पता है रावण कुंभकर्ण और श्री रावण कुंभकर्ण और भाई के भाई का और नाम क्या था, बिभीषण, ये तीनों ने तपस्या की और ब्रह्मा भी ये तीनों को वरदान दिया। और आप कहते आपको पता होगा रावण ने क्या किया, माँ सीता को उठा करके चला गया है, जगदम्बा जगेशन माँ सीता को उसने उठा करके लेकर चला गया। देखो कितने मैंने बर दिया इस वजह से माँ सीता को उठा कर, अब भगवान को कितने कष्ट करना पड़ा, फूल बांधना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, भगवान को कितने कष्ट उठाया भगवान ने। इसलिए भैया मैं भगवान का कोई प्रिय पात्र नहीं। आपको पता और क्या किया, कहते मेरे अधीन में ना ये जम भी मेरे अधीन में रहता है, ये जम भी क्या किया था भगवान का जो गुरु पुत्र है ना, तो गुरु पुत्र की जम भी ले गया था। जब भगवान पढ़ने के लिए गए उनको गुरु माता ने और गुरुदेव ने बोले बेटा मेरे बच्चा बचपन में कहीं मर गया, मेरे बेटे को ला दो। फिर भगवान को कितने कष्ट करना पड़ा, शंखासुर को मारना पड़ा, जम लोग में जाना पड़ा बच्चों को ला, ये भी मैंने गड़बड़ी किया। और एक समय ये नंद और जसोदा स्नान करने के लिए गए थे सवेरे सवेरे एकादशी व्रत करके, और ये वरुण का जो चर थे नंद जसोदा को उठा करके ले गए, ये वरुण कौन है, कहते ये मेरे अधीन में काम करता है, ये भी भगवान को पिता माता को ये भी उठा करके ले गया। भैया इसका अपराध भी मेरे ऊपर है, ये जितने सारे अपराध है ना सब मैं किया, सारे अपराधी का भागी मैं हूँ। इसलिए भैया मैं भगवान को सुख नहीं दिया बल्कि भगवान को दुख ही दुख दिया ठाकुर जी को। इसलिए भैया मैं भगवान की कोई भगत नहीं। बोले कौन भगत है, फिर बोले श्री भोले बाबा की श्री शंकर जी, भगवान की अगर सबसे कोई बड़ी कृपा बात रहे ना श्री शंकर जी भोले बाबा, जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो देव देव महादेव, जोगी जोगी महायोगी, और श्री भोले बाबा है, ये शंकर भगवान की सबसे बड़ी कृपा पात्र है। बोले कैसे, कहते शंकर जी यद्यपि इनका नाम है सत्यम शिवम सुंदर, उनको तो बताया सुंदर, लेकिन शंकर जी सुंदर देखने में आप जितने अभद्र ड्रेस जितने शंकर जी से कोई शरीर में कोई स्नो पाउडर लिपस्टिक ब्यूटी पार्लर में जाके नहीं सजते हैं शंकर जी, क्या शरीर में लगाते हैं बहुत बहुत, कौन सा बहुत ही कोई अच्छा वही राग हो, कोई शमशान की लगाते हैं हां, शमशान की राग उसको शरीर में लगा दे रहे, क्या उनको कोई स्नो पाउडर मिला नहीं और उनको कोई चंदन नहीं मिला। कहते शंकर जी भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए इनको भागवत में बताया वैष्णवानाम यथा संभो, मतलब भगवान की सबसे बड़े अगर कोई कृपा पात्र है भक्त है बोले श्री भोले बाबा। इसलिए उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी तुच्छ करके, ब्रह्मा कहते हैं उन्होंने सारी चीज को उन्होंने तुच्छ करके, और वो साधु है ना, साधु क्या करते हैं अपने आप को छपवाते नहीं, अपने आप को छुपाते, साधु क्या करते हैं अपने आप को छुपाते हैं छपवाते नहीं है, ये साधु का लक्षण है। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, कभी ये सब अभद्र ड्रेस क्यों पहन कर रहे हैं, और रहते का बर्फ गोबर में जाकर कहाँ रहते हैं, बर्फ गोबर क्यों ये सब शंकर जी, और शंकर जी को ये राग और गले में हड्डी माला डाल कर रखे, बोले क्यों ये राग क्यों लगा है, ये दुनिया को शिक्षा देते हैं। बोले भैया इस शरीर को ब्यूटी पार्लर में लेकर इतना सजा रहे ना, और स्नो पाउडर और इतना चबन ग्रास खा करके जीप में जा करके जो इतने बढ़िया बड्डी बनाते हो ना, जानते हो इसका परिणाम क्या, दो मुठी राग और कुछ बन और कुछ नहीं। इसलिए आप देखना शंकर जी को अक्सर करके ना वो शमशान के पास में रहते,
और उसी राह को लेकर लगाते हैं। बोले क्यों? जब वो राख को देखते हैं कि तुम मन को समझाते, बोले देख मन, जिस शरीर को तो इतने प्यार दिन भर उसकी हाँ उसकी मेंटेनेंस में लगे हो, जानते हो ये शरीर का परिणाम क्या, दो पुटी राख बनने वाले यही आकर के तरह शरीर को जला करके डंडा मार मार कर जला कर जाएंगे। इसलिए ये शरीर को प्रेम मत कर। वो देखते है ना सब लोगों को ले आते है ना, और जो ले आते है देखना जो कंधे पर ले आएगा ना, जो कंधे पर ले आते हैं क्या बोलते हैं, यही बोलते बोलते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गद्दे सब की बात झूठा है, शंकर जी देखते रहते हैं ना। इसलिए वो चीज को शिक्षा मिलती, भले भैया इस शरीर का आसक्ति मत करो, प्रेम करना तो भगवान कृष्ण से करो, भगवान की राम, इसलिए राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। देखना तब तक राम नाम सत्य गोपाल नाम सत्य है जब तक कंधे पर रखते, पर उतारते से भूल जाते। इसलिए एक वैराग्य बताया, पांच तरह का वैराग्य है, पांच तरह का वैराग्य में एक वैराग्य है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य मतलब जो व्यक्ति वो व्यक्ति को लेकर आते हैं जलाते हैं चिता को ऊपर सजा करके ना, थोड़ी समय के लिए उनका मन में वैराग्य आता है। क्या वैराग्य? सचमुच से संसार में कुछ नहीं, इतना दुकान बनाया, इतना मकान बनाया, इतना पैसा कमाया, लेकिन एक पैसा भी साथ में नहीं, एक सुई धागा भी साथ से नहीं दिया। पत्नी रो रो कर दरवाजे तक आई, अब परिवार तक स्मशान तक आए, उसका आगे कोई साथ में नहीं जाएगा। आगे क्या जाने वाले? पायो जी मैंने राम पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब त्रिपुरा के हरि शंकर जी। बोले पंचमुखे राम नाम, हर समय पंचमुख में प्रभु राम का नाम गान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जप तमहेशा काशी मुकति है तो उपदेशा। इसलिए शंकर जी हर समय पंचमुख में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए शंकर जी हर समय पंचमुख में भगवान का नाम जप करते रहते हैं, है? इसलिए वो शमशान के पास भी इसलिए रहते हैं, भैया जब तक इसको देखते हैं ना वैराग्य आएगा और भजन करते रहेंगे, लेकिन घर में जाते सब भूल जाते ना भगवान भगवान, इसलिए वहीं पर बैठे रहते, देखते रहते दुनिया को, हैं? दुनिया को वहीं देखते रहते और भगवान भजन करते रहते। इसलिए राख मलते हैं और हड्डी और कौन सा फूल, बेली चमेली जुई नहीं, धदुरे और आकन जिसमें जहर है, वो जहर बोले जहर ले बोले, जिसको भगवान कृष्ण राम नारायण सभा में जो फूल नहीं लगता है, हैं? वो फूल को धारण करते हैं। बोले क्यों? बोले भैया बढ़िया बढ़िया फूल तो मेरे प्रभु राम कृष्ण नारायण सभा में लगी, हम तो उनका सेवक है, जो फूल को कोई लगाते नहीं अपने आप होता है जंगल में, उसको मैं स्वीकार करूंगा, प्रभु का सेवा की वस्तु मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे प्रभु की सेवा में लगे, क्योंकि सेवक है ना शंकर जी, भगवान के सेवक है। इसलिए इनके बगैर कोई लीला ही नहीं, हनुमान बनकर शंकर लीला, राम की सेवका ही कर रहे हैं, कृष्ण लीला में गोपेश्वर बनकर क्या भगवान की रास दर्शन करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु लीला में सदाशिव बन करके अद्वैत आचार्य सदाशिव बन करके आए, महाप्रभु ने सेवा उन्होंने की है। इसलिए और अलंकार कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं, सब निकाल कर रख देंगे, जितने हम हीरे जवाहरात सोने चांदी पहन के ना बस मरने से पहले सब खोल करके उतार देंगे। इसलिए उन्होंने अलंकार क्या धारण किया, साफ गले में हाथों में कमर में सर्प है, वो कौन है? बोले श्री अनंत देव। बोले अनंत देव कौन है?
గత పార్వతి ప్రభుతి నవార్బుద నారిలయ్యా సంకర్షణ పూజ సీ ఉపాస గోయా ఇసే వృందావన దాస్ ఠాకూర్ కహతే హే కి జో సంకర్షణ హే ये कौन है शंकरसन बोले ये शंकर जी के गुरु ये अनंत तक गुरु है कहते अगर कोई भूषण बनाना चाहते हो किस चीज के भूषण बनाओ बोले गुरुदेव का उपदेश को गुरुदेव का ज्ञान को उनकी भक्ति को गहना बनाओ अलंकार बनाओ जो तुम्हारे जीव को बा जीवन में जो काम बनाने वाले ये सोने चांदी तुम्हारे काम में नहीं आएगी है इसलिए लेकिन इसलिए शंकर जी अपना को छुपाने के लिए बहुत कोशिश की अपना को छुपाने के लिए कोई मेरे को जान नहीं सके लेकिन तब भी शंकर जी छुपा नहीं सके बोले क्यों बोले शंकर के पास में ना सबसे श्रेष्ठ वस्तु उनके पास में बोले कौन है कहते पतित पावनी गंगा है शंकर जी की जटा में कौन है गंगा देवी की इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपा नहीं सके कोशिश किया छुपाने के लेकिन उन्होंने छुपा नहीं सके सबसे पवित्र वस्तु श्री गंगा देवी उनके पास में थी इसलिए यहाँ पर श्री नारद श्री ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी ये जो शंकर जी है सर्व संपत्ति का मालिक होते हुए भी लेकिन ये सब चीज उन्होंने तुच्छ करके रखी और तुच्छ करके क्या करते हैं प्रभु की भजन में लगे रहते हैं बस कितना सुनते ही नारद जी उठाया अपना बीना बस बिना बजाते बजाते जब जा रहे थे बोले सुना सुना इधर बोले कहाँ जा रहे हो बोले मैं जा रहा हूँ शंकर जी से मिलने के लिए बोले देखो शंकर जी के दो लोग हैं एक लोग शंकर जी के जो सीप लोग है कहते ये भूर भूर मोहजन तप सत्य लोग उसको बिरजा बिरजा का ऊपर में एक सीप लोग है हाँ बिरजा के ऊपर में एक सीप लोग है लेकिन और एक सीप लोग इसी मध्य जगत में कहते श्री कुबेर जी जब शंकर जी की संतुष्ट की आराधना की कुबेर जी की प्रार्थना में कहते ये मध्य जगत में भी एक कैलाश है जैसे अपने सबको सब कैलाश दर्शन के लिए जाते हैं ना कहते ये मध्य जगत में भी शंकर जी थोड़ी सी वैभव को प्रकाश करते हुए हैं थोड़ी सी वैभव को प्रकाश करते हुए शंकर जी इसे मध्य जगत में कैलाश लोक में भी है यहाँ पर थोड़ी सी वैभव प्रकाश किया है और कहते वो जो कैलाश है जो ब्रह्मांड का ऊपर जो कैलाश लोक है बोले वो कैलाश लोक में वो जैसे भगवान का वैकुंठ धाम है ना वो कैलाश धाम भी ऐसे ही है कहते वहां पर कौन जा सकता है बोले शंकर जी की जो एकनिष्ठ भक्त तो कहते भैया कैसे भक्त होनी चाहिए वहां पर दो चीजें बताए कहते जो व्यक्ति भगवान को साथ में कृष्ण को अलग मानते हैं और जो अलग नहीं मानते दो बात बताया वही वहां जा सकते हैं मतलब जो मानते हैं जो शंकर कौन है ये भगवान की परम भक्त है भगवान की अधीन है वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं ये भगवान की अधीन है लेकिन ये अधीन होते हुए भी ये भगवान से अभिन्न है अधीन भी है और इनकी अधीन भी है और ये अभिन्न है हा? ये अभिन्न भी है और भिन्न अभिन्न नहीं भी है इसी रूप में जो शंकर की उपासना करते हैं जो व्यक्ति कहते नहीं शंकर ही सब कुछ भगवान 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 कुछ नहीं बोले वो कभी वहां नहीं जा सकते वही जा सकते हैं जो शंकर जी के तत्वों को भगवान की परम भगत है भगवान के अधीन में ही रहने वाले हैं ये हाँ स्वतंत्र ईश्वर नहीं ये अस्वतंत्र ईश्वर है वही व्यक्ति वहां जा सकते सब वहां नहीं जा सकते है इसलिए और एक है इस मध्य जगत में तुम वही बच जाओ बास नारद जी उठाए बिना बिना उठाते हुए हैं बास नारद जी चल पड़े जब नारद जी वहां पर गए कैलाश में उन्होंने दूर से देखा शंकर जी परम वैष्णव है माँ पार्वती वैष्णव ही और गणेश कौन है ये परम भक्त है और श्री कार्तिक भी परम भक्त है नंदी भी ये परम भक्त है हैं ये सब के सब भक्त है जब वहां पर पहुंचे देखा वहां पर पूरा शंकर जी अपना परिवार को लिए हुए हैं पूरा स्त्री पुत्र परिवार लेकर के कृष्ण का संसार उनका है सबके सब मिल करके कीर्तन कर रहे थे बोले हरे कृष्णा हरे राम
पता कैसे चलेगा सच ना झूठा, इसलिए आपका सर पर रखकर परीक्षा करूंगा। बोले भर क्या नहीं ना, मेरे को मेरे सर पर परीक्षा करोगे? भगे वहां से उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और किसी तरह से पीछा भी छोड़ नहीं रहा है वो। इतने में शंकर की भगवान की शरण में गए, विष्णु की शरण में। बोले प्रभु आप ही बचा सकते हो, मैं यहाँ से बच नहीं सकता, मेरे को बचाओ। इतने में भगवान विष्णु बालक बनकर प्रकट हो गए, और ये भस्मासुर को बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले शंकर जी वरदान दिया, जिसका सर पर हाथ रखे वही जल कर खत्म हो जाएगा, अभी मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, फिर भाग रहा है। बोले तू पागल ये भी पागल, दोनों पागल एक साथ में मिले। अरे इसकी बर में कोई ताकत नहीं रह गया, क्योंकि उसको हाँ दक्ष प्रजापति इसको अभिशाप दिया है, जब से अभिशाप दिया ना इनके वरदान का सब नष्ट हो गया, इसलिए तो भाग रहा है। इसको पता मैंने झूठ बोल दिया, ये परीक्षा कर रहे हो तभी तो भाग रहा है ना। अरे अपना सर पर हाथ रखो ना। बोले जल करके राख हो जाता तो पागल ऐसे हाथ रखना, जलने से पहले थोड़ा गर्मी निकलेगा ना। बोले गर्मी निकल, बोले गर्मी निकला तो हाथ बटा देना। बोले हाथ रख, हाथ रखे। बोले गर्मी निकल, गर्मी फरी में आ रहा। बोले कुछ नहीं, मरण कुछ नहीं होता, नीचे करो, नीचे किया। बोले कोई गर्मी आ रहा है? बोले कोई गर्मी फरी में कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, सर पर रखा। वहां सर पर रखा तो वही जल करके फिर शंकर जी वहां प्रकट हुए। भगवान शंकर जी को समझाए, बोले बेटा तुमने जब वरदान देते हो ना थोड़ा सोच बुझ कर, और खुद वरदान देकर खुद फंस जाए तो एक बार नहीं, शंकर जी ऐसे बहुत बार फंसे। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को, देखो जब मैंने कोई अपराध किया ना भगवान मेरे को बहुत डांट लगाए, लेकिन जब शंकर जी बहुत बार अपराध किया है, एक बार नहीं ऐसे बहुत बार उन्होंने मैदानों को और जितने कितने राक्षसों को वरदान दिया, लास्ट में शंकर जी के ऊपर विपत्ति आ गई, शंकर जी के ऊपर में विपत्ति आई, लेकिन भगवान को डांट नहीं लगाया शंकर जी को, उनने समझाया। बोले क्यों क्यों समझाया, क्यों डांट नहीं लगाया? शंकर जी भगवान की परम भक्त है, वो हरिहर एकात्मा को बताया। शंकर जी इनको पता है मैं ठाकुर जी की शरण में मैं संपूर्ण रूप में उनकी भजन में मस्त रहता हूँ। अब भगवान कृष्ण गीता में स्वयं प्रतिज्ञा लिया, मेरे जो भक्त है ना उसका कोई विनाश नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास है भगवान की भक्ति का कोई विनाश नहीं होगा, इसलिए मैं जो इच्छा वरदान दे देता हूँ, मेरे को पता है भगवान मेरे को बचाएंगे, इसलिए मेरे को डर ही नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी को भी डांटे नहीं, शंकर जी को समझाया, शंकर जी को समझाए शंकर जी को। इसलिए इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो शंकर जी की कृपा से बहुत व्यक्तियों को भक्ति मिली। देखो जब शंकर जी की कोई निष्काम होकर के भजन करे, कुछ भी मांगे नहीं, निष्काम होकर भजन करे ना, शंकर जी भागवत में कहते हैं लास्ट में मैं उनको लेकर के भगवान के पास में पहुंचा, क्योंकि शंकर जी गुरु है। शंकर जी जो विष्णु स्वामी संप्रदाय का ये प्रवर्तक श्री शंकर जी रुद्रदेव है, ये एक वैष्णव है, ये गुरु है, गुरु का काम भगवान तक पहुंचाना, इसलिए एक नरसिंह भगत हुए, नरसिंह मेहता हुए, अब नाम सुने होंगे, ये शंकर जी के एक अनिष्ट भक्त थे। जब शंकर जी संतुष्ट हुए, बोले बर्मा आगो, बोले प्रभु मैं तो आपका बालक, आप तो मेरे पिता हो, किसमें अच्छा बुरा मेरे को पता नहीं, अगर आप बरदाना चाहते हो ना एक काम करो, आपका जो सबसे प्रिय वस्तु मेरे को वही दे दो, आपका जो सबसे प्रिय वस्तु वो दो। शंकर जी बोले मेरे प्रिय प्रिय तो बाकी भी आए, मेरे प्रिय कृष्ण है, आज से मैं तेरे को कृष्ण भक्ति प्रदान करता हूँ। शंकर जी उनको कृष्ण भक्ति प्रदान की, और उनकी कृपा से इतने बड़े भक्त हो गए, नरसिंह मेहता इतना बड़ा भक्त हो गए, कृष्ण भक्त दिन भर प्रभु का भजन में मस्त है। लेकिन घर में बेटी है, अभी बेटी की शादी कैसे होगी? भगवान कृष्ण स्वयं भात भरने के लिए उसके बेटी की शादी कराने के लिए कृष्ण स्वयं जाते हैं, और इतने धूमधाम से शादी किया ना, अरब खरबपति भी ऐसी शादी नहीं करा सकते, भगवान कृष्ण लास्ट में उनको शादी कराना पड़ता है। ऐसे शंकर जी कृपा कहते, इतना नहीं उनकी जो पत्नी पार्वती, इनकी कृपा से भी बहुत व्यक्ति को भक्ति मिला, क्योंकि ये परम वैष्णव ही है, ये वैष्णव भी इनकी कोई निष्कपट रूप में भक्ति करे ये भी भगवान तक पहुंचा देते हैं। जैसे श्री एक हुए श्री चंडीदास, इनका नाम ही चंडीदास, माता देवी को एक अनिष्ट भक्त है। एक समय जैसे नवदुर्गा की समय आता है ना,
एक समय उन्होंने प्रतिज्ञा की माता देवी के चरण में रोज रोज 108 कमल फूल रोज चढ़ाऊंगा, एक महीना तक 108 कमल फूल चढ़ाऊंगा। लेकिन 29 दिन तक तो उनको 108 मिला, लेकिन जिस 30 दिन पूरी होगी उनको एक कमल फूल नहीं मिला, बड़े दुखी हो गए, मेरा व्रत खत्म हो जाएगा। 29 दिन तक मिला, 30 दिन में नहीं मिल रहा है, इतने में उन्होंने दुखी हो गए। सवेरे जब नहा, एक दिन पहले लाकर रख देते थे, सवेरे जब नहाने के लिए गए देखा नदी में एक कमल फूल है, खुश हो गए, भैया की बड़ी कृपा है, फूल नहीं मिल रहा था। तब वो फूल को उठा करके लाए, जब उन्होंने सारे फूल चढ़ा दिया, ये लास्ट फूल जब चढ़ाने जा रहा था ना, माँ देवी स्वयं प्रकट हो, साक्षात रूप में प्रकट होकर दर्शन दी, और वो फूल को उन्होंने चरण में नहीं लिया, वो फूल को उन्होंने लेकर सर पर बैठा। लेकिन ये तो चंडीदास माँ देवी की एकनिष्ठ भक्त। फिर उन्होंने पूछा, बोले माता जी आप क्या मेरे ऊपर नाराज हो, क्योंकि ये अंतिम फूल मतलब है आज मेरा व्रत समाप्ति है, आप तो माँ मैं तो बेटा, कहते बेटा का जो उपहार माँ चरण में ग्रहण करती है ना, चरण में स्वीकार करती है, लेकिन आप चरण में ले लेकर सर पर क्यों रखे हो। माँ कहती है बेटा ये बताओ तुमको ये फूल मिला कहाँ से। बोले ये फूल तो मिल नहीं रहा था मेरे को, मैंने सवेरे जब नदी में नहाने के लिए गया ये वही मिला। बोले बेटा फूल कभी नदी में खिलता है, फूल खिलता है तालाब में, नदी में फूल नहीं खिलता है। बोले फिर बोले कोई एक कृष्ण भक्त था जिसने माँ के चरण में ये पुष्प चढ़ाया था, और वो पुष्प को ला करके उसने जैसे नदी में बहा देते हैं ना, उसने नदी में बहा दिया, और मेरी इच्छा से ही वो फूल बहते बहते तेरे पास में आया, और वो तुमने वो फूल लेकर के आए, वो जो फूल है वो मेरे प्रभु का चरण प्रसाद ही है। सबसे ज्यादा मैं संतुष्ट होता हूँ जब भगवान का प्रसाद मेरे को प्रदान करे, जैसे जगन्नाथपुरी में माता विमला, उन्होंने केवल भगवान का प्रसाद खाने के लिए उन्होंने कैलाश को छोड़ करके मरते जगत में आए। इसलिए भगवान का प्रसाद मुझे कोई दे सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। बेटा आज मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, मेरे प्रभु का प्रसाद है, बताओ तेरे को क्या चाहिए। बोले माता जी मेरे को तो इस संसार का कोई चीज नहीं चाहिए, धन दौलत पुत्र परिवार हमें नहीं, ये सब नश्वर वस्तु है, अगर आप देना चाहते हो ना आप हमें मुक्ति और भक्ति प्रदान करो। तो माता ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटी जाओ तेरे को मैं भक्ति प्रदान करता हूँ, जाओ आज से तुम राधा कृष्ण की उपासना करना, राधा कृष्ण की चरण की भक्ति करो। तो उन्होंने माँ का आशीर्वाद से इतना बड़ा संत बना, इतना बड़ा उसने भक्त बना, राधा कृष्ण की इतने हाई फाई प्रेम की वर्णना की, राधा रानी की प्रेम की, कृष्ण प्रेम की इतने हाई फाई उन्होंने वर्णना की। अभी बंगाल में कलेज में इनका पुस्तक पढ़ाई होता है, और हम लोग रोज रोज इनका भजन गाते हैं, हैं? ये चंडीदास का भजन, और श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गंभीरा में रहते थे इनकी रोज इनकी पद्यावली, राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके, राधा रानी कैसे उन्मादिनी बन करके, कृष्ण विरह में कैसे प्रलाप वर्णना करती है, इतने हाई भाई उन्होंने भजन लिखे। किसकी कृपा से? बोले देवी कृपा से, माँ देवी कृपा से। जैसे भजन हो रहे मन श्रीनंद जी गोविंद दास के भी कृष्ण पहले देवी के भक्त थे, लेकिन जब अंतिम समय आया जब पूछो मुक्ति दो, बोले मैं मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति तो केवल मुकुंद कृष्ण दे सकते हैं। वो बड़े सुंदर कवि थे, सबसे पहले उन्होंने कविता लिखे, भजहु रे मन श्रीनंद सबसे पहले ये कीर्तन लिखे, हाँ बड़े सुंदर। इसलिए कहते शंकर जी और माता जी इनकी कृपा से बहुत सारे व्यक्ति भगवान के भजन में लगे हैं। इसलिए जब नारद जी शंकर जी खूब गुण गाए, बड़े गुण गाए इनकी शंकर जी, तो बोले राम 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 राम, उन्होंने अपना ताने में अंगूल डाल दिया, बोले मेरे को कह रहे हो कृष्ण भक्त, मैं पता नहीं मैंने कृष्ण के चरण में कितना अपराध किया है, ये मायावादी ग्रंथ रचना करने के लिए भगवान मेरे को ही बताए, हाँ अगर मैं प्रिय पात्र होता तो ये काम क्यों करता। अब भगवान को साथ में मैंने लड़पड़ा भी है, बोले कैसे, बोले जब उनकी बहुत लंबी कथा द्वारका में जो उषा के साथ में अनिरुद्धता शादी हुई,
और ये शंकर जी वहां पर बड़े कृष्ण पूरा कृष्ण बलदेव प्रभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध एक तरफ में और शंकर जी बनासुर का पकड़ ले लिया है। ये बनासुर का बनासुर उपासना करता था शंकर जी को। एक दिन बनासुर ने दो हाथ में ड्रम बजाया, शंकर खूब कृष्ण प्रेम में नाचे, इतना खुश हो गए, बोले ब्रह्मा गो भाई मेरे को 1000 हाथ दे दो। शंकर तो खुश हो गए, 1000 हाथ में जो ड्रम बजाएगा ना बस कृष्ण कीर्तन में नाचूंगा। लेकिन इतना ताकत आ गया उसको हाथ में, इतनी खुजली मच गया, बोले शंकर जी इतना ताकत दिया मेरे साथ को कोई लड़ने वाले नहीं, और एक एक मुष्टि का हाथ में पर्वत को चकना शुरू करा था। शंकर जी को बोले मेरे साथ में लड़ाई करो। शंकर जी बड़ा नाराज हो गए, शंकर जी ताकत मैंने दिया करे मेरे से लड़ाई करे, अरे भगवान अगर सारी खुजला खत्म करेंगे फिर तो। इतने बड़ी लंबी कथा है, इसलिए घमासान युद्ध हुआ, लास्ट में भगवान कृष्ण चक्र से सारे बनासुर का सारे हाथ को काट दिए, जब केवल दो हाथ रह गए। शंकर जी प्रभु के चरण में माफी मांगे, बोले प्रभु कि मेरे भगत ने हम मार मत उसको मार मत, कृष्ण ने कहा उसको मारूंगा नहीं क्योंकि ये प्रहलाद का वंश में है और प्रहलाद को मैंने वरदान दिया है क्योंकि प्रहलाद इतने भक्ति की, बोले प्रहलाद तेरे वंश में कोई भी आएगा ना मैं कभी उसको मारूंगा नहीं, इसलिए जितने दुष्ट आए भी भगवान सबको कृपा किया मैंने प्रहलाद की वंश में आए इसलिए मैं इसको कभी मारूंगा नहीं। लेकिन इसका जो घमंड था ना ये घमंड को दूर कर रहा था, मेरे शंकर जी बनासुर को ला करके कृष्ण के चरण में शरणागत कर दिया। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं शंकर जी, कहते हैं वही मेरा सबसे कृपा पात्र है, लास्ट में अगर मेरा कोई उपासना करे मैं उसको लास्ट में लेकर मेरे प्रभु के शरण में दे देता, बोले प्रभु आज से ये तुम्हारा भक्त, तब से कृष्ण का भक्त बन गए हैं। इसलिए बोले भैया मैं भगवान के साथ में कितना वाला लड़ाई युद्ध किया, वो स्वर्ग में भी युद्ध किया था यहाँ युद्ध किया, भैया मैं भगवान की कृपा पात्र नहीं। फिर उनको बाद में प्रहलाद के पास में जाएंगे, फिर तो मैं जब दूसरा बार आऊंगा ना वहां से फिर कथा सुनाऊंगा, फिर आगे धीरे धीरे कैसे जा करके फिर वृंदावन तक जाता है। ठीक है, देखो हम लोग ने यहाँ पर कितना दिन कथा सुने, पांच दिन ही कथा सुने हम लोगों ने, पांच दिन ही हम लोगों ने कथा सुने। इसलिए यहाँ से कुछ लेकर के जानी चाहिए, खाली हाथ में मत जानी चाहिए, यहाँ से कुछ हमें लेकर के जानी चाहिए। क्या लेकर जानी चाहिए यहाँ से, फिर भगवान की भक्ति लेकर के जाओ, भगवान की भक्ति को लेकर के जाओ, क्योंकि देखो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तलिता विद्य। हम ध्यान देकर सुन, जो काम की बात है भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते भगवान को पता नहीं कितना दिनों से हम भगवान भूलकर संसार में आए, कभी गधे कभी कुत्ते कभी सुअर कभी स्वर्ग कभी नरक ऐसे ही हम भटक रहे हैं 84 लाख जन्म, लेकिन जान और अनजान में हमारी कुछ सुकृति बन रही है, कुछ सुकृति बन रही है हमारे अंदर में जान और अनजान में। अगर किसी गुरु वैष्णव की सेवा में कुछ दे दिया, ठाकुर का नाम ले लिया, कीर्तन कर लिया, कथा सुन लिया, तुलसी परिक्रमा किया, संत सेवा किया, जान अनजान में हमारे कुछ सुकृति बन रही है। ये ऐसे भगवान कहते ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्म का जब कोई सुकृति एक कटा होता है पर भगवत इच्छा से उसको सदगुरु का दर्शन मिलता है, सदगुरु दर्शन होता है, पर सदगुरु क्या करते हैं, बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दीजिए। कहते ये सदगुरु के पास में वैष्णव के पास में आते हैं कौन, बोले सब नहीं आ पाते हैं। बोले कौन आते हैं, बोले कृष्ण गुरु प्रसाद भगवान जिसको ले आते हैं। आप मत समझो आप अपने आप यहाँ आगे नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, भगवान कृपा करके आपको यहाँ पर लेकर के आए, ठाकुर लेकर के आए हैं, क्योंकि शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में सब नहीं आ सकते हैं। बोले कोटि सोपी महामणि करोड़ों करोड़ में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो शुद्ध लाइन में शुद्ध भक्ति धारा में आते हैं। अभी प्रश्न है गुरुदेव तो हमें भगवान का नाम दे दिया, मंत्र दे दिया, मतलब हमारा हृदय एक खेती है, ये हृदय रूपी खेती में गुरुदेव जो मंत्र नाम दिया एक बीज को बो दिया, लेकिन अभी हम एक माली है, माली का काम किया अभी उसका रखवाली करना, पानी देना है वहां पर ठीक से, बकरी खा जाए उसको रखवाली करना, और धीरे 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 उसको बढ़ाना, फिर धीरे धीरे दो पत्ता आएगा, फिर टहनी आएगी, फल फूल आएगा, फल आएगा, फिर बढ़िया बढ़िया फल आएगा, बस
खाते रहो बैठ बैठ के, लेकिन अभी वहां तक तो पहुंचाना पड़ेगा ना गोलोक वृंदावन तक। इसलिए अभी हमारा कर्तव्य है, गुरुदेव ने जो हरिनाम दिया, गुरु मंत्र दिया, अभी उसको ठीक से जप करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यह जप गया सबे करिया निर्बंध। गुरु जी से माला जो मिला है, जो हरिनाम मिला है, जो जिसको मंत्र मिला, भगवान स्वयं माला नहीं, माला रूप में स्वयं भगवान हमारे पास में आए, ये माला नहीं, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। यहाँ पर स्वयं भगवान हमारे पास में आए, इसलिए गुरुदेव कहते हैं रोज ये माला को नित्य नियम करके ये माला को रोज जप करने का है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे आप यहाँ से वृंदावन जाना चाहते, आपने एक टिकट बनाया, अगर टिकट को पकड़ में रखोगे क्या वृंदावन पहुंच जाओगे? नहीं, आपको एयरपोर्ट में रेलवे स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच देख करके सीट में बैठना पड़ेगा, फिर वो सीट आपको गाड़ी लेकर वृंदावन में पहुंच जाते। उसी तरह हमने जो गुरुदेव से माला हरिनाम लिया, हमने टिकट बनाया है गोलोक वृंदावन जाने के लिए, टिकट बन गया है, हैं? अब उसके बाद में क्या करना है हमें, उसके बाद में अभी हमें साधन करने का जरूरत है। अभी टाइम से घर से उठो, सवेरे उठो, सवेरे उठकर क्या करें, ऐसे नहीं सोएंगे एक दो तीन बजे टीवी देख करके और उठेंगे न दस बजे, मुंह हाथ किस तरह धोया खा पी अभी चल नहीं। देखो इसी जगत में हम जो कुछ करते हैं शांति सुख के लिए है ना, शांति सुख के लिए सारे काम करते हैं। 20-25 साल तो पढ़ाई किया, क्या कि नहीं, जो पढ़े आपको पता है, अगर एग्जाम आ जाए ना एक महीना रह गया तो पागल जैसे 10-10, 15-15 घंटा रटते हैं, कल पेपर है, सारे पुस्तकों को दिमाग में भर करके लेकर जाएंगे और फिर जाके पेपर दें, कितना 25 साल तक पढ़ाई किया। फिर नहीं, अगर इसी तरह से नौकरी मिला तो 10-10 घंटा काम कर जाओ, 2-2 घंटा, बोले क्यों, बोले पैसा के लिए, पैसा के लिए, क्या पैसा पा रहे कोई सुखी, किसको पूछ लो, पैसा मिल गया कोई सुखी हो गया है क्या, नहीं कोई सुखी नहीं। लेकिन अगर भगवान की भजन करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले भैया अगर जीवन में कहीं शांति सुख मिल सकती है केवल तुम्हें भजन से मिलेगी, दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हें शांति सुख दे ही नहीं सकता, कोई भी चीज से तुम्हें शांति मिल नहीं सकती, क्योंकि ये दुनिया दुखालय, ये दुख का घर है, हम सुख भोगने नहीं दुख भोगना ही आए, ये जेल में आए हो, उतना समय जीवन में शांति रहेगा जितने समय प्रभु का भजन में लगाओगे, भक्ति में लगाओगे, है? इसलिए प्रभु का भजन ही जीवन में तुम्हें सुख शांति और चिरकाल के लिए अपना चरण में ले सकते हैं, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं, मां उपतु तु कंत पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन अगर तू भक्ति करके अगर मेरे पास में आ गया ना, बैक टू गॉड है, अपना घर में वापस चलो, बस अपना घर में वापस चला गया ना, बस शांति सुख है वहीं पर है, हाँ। इसलिए ये मानव शरीर दुर्लभ जीवन, महाप्रभु कहते हैं गुरुदेव ने जो मंत्र दिया हरिनाम दिया सुनियम से करो, हैं? ऐसे नहीं जब इच्छा हुआ कर लिया, नहीं तो माला 2-4-10 दिन से लटक रहा है, बैठ करके भले ही टीवी 3-3 घंटा देख रहे, लेकिन माला जहां था नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसलिए संख्या पूर्वक नाम करनी चाहिए, नियम करके सवेरे भगवान के नाम कीर्तन कर लिए थोड़ा समय निकालो, सवेरे उठ करके स्नान करो, तिलक लगाओ, ऐसे नहीं मत समझो तिलक की जरूरत नहीं, तिलक की विशेष जरूरत है, ये गोपियों का चरण धूलि है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, सबसे जो भक्ति की जो अनुकूल है भगवान की, ये तिलक है, तिलक जरूर लगानी चाहिए। भगवान लगाते हैं, कृष्ण लगाते हैं, राम लगाते हैं, नारायण, हनुमान, किसको देखो तिलक के बारे कोई नहीं, तिलक सबसे पहले गोपी की चरण धूलि, तिलक लगाओ, अपना गुरु मंत्र जप करो, हैं? अपना ठाकुर का सेवा पूजा सवेरे, मैं कल बताया था ना, परसों बताया था, सवेरे अपना परिवार को क्या समझो, शत्रु, ये सब के सब शत्रु, सब दुश्मन हमारे, सब ढाकू है, ये सारे हमारे एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। भगवान हमें जो मानव शरीर दिया 84 लाख जन्मों के बाद में भजन करने के लिए, सारी एनर्जी को यही नष्ट कर रहे हैं। इसलिए सवेरे परिवार को शत्रु समझो, शत्रु सब 2 घंटा रट करके बैठो, गीता रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, माला जप करो, पढ़ करके फिर अपना परिवार को मित्र समझो, फिर इनको मित्र समझो, क्योंकि ये कृष्ण का परिवार है, कृष्ण का संसार है, फिर शाम को जब काम धाम से आओ फिर इनका
शत्रु फिर समझो इस शब्द से हमारे शत्रु है धैर्य शत्रु शब्द फिर दो घंटा बैठो बैठ कर अपना माला तिलक हनी करके फिर परिवार फिर अपना मित्र समझो ये सब हमारे मित्र है हैं तो कृष्ण भजन में इसलिए ऐसे भजन करनी चाहिए ठीक है ना इसलिए अपना माला तिलक भजन इसको एकदम पक्का करो एकदम सच्चे नहीं एकदम पक्का होनी चाहिए हैं भले ही दुनिया एक तरफ में हो जाए लेकिन जैसे मीरा है प्रहलाद महाराज है भले ही दुनिया एक तरफ में हो जाए लेकिन आपका भजन कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए भक्ति हमें नहीं छोड़नी चाहिए अपना भक्ति को एकदम अच्छे तरह से पक्के तरह अपना भजन साधन को ठीक से करो ठीक है ना इसलिए महाप्रभु कहते हैं बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला साधु संत बड़े भाग्य से मिले हैं है? इसलिए अपना भजन साधन करके इसी जीवन में जितना दूर हो सके वास अगर कोशिश करो ठाकुर को वास में चले जाओ फिर जगत में जन्म लेना नहीं पड़ेगा फिर तो कलयुग है ना धीरे धीरे बढ़ेगा कलयुग धीरे धीरे बढ़ेगा कलयुग गौर कलयुग आएगा हम तो देख रहे हो पहले जो सम्मान इज्जत था भाई बहन जो था कितने जल्दी ये अंग्रेजियों का जितने राहत सहन शिक्षा खान पान सब धीरे धीरे सब अंग्रेजी का हवा बड़ी तेजी से आ रहे हैं पहले बच्चे उठ कर पिता माता के चरण छूना गीता भागवत पढ़ना भगवान को मानना धीरे धीरे देखना सब टीवी इंटरनेट और मोबाइल स्मार्टफोन आकर के सब बच्चों को बुद्धि खराब कर रहे हैं हम लोग अभी तो बच्चे जो पुराने का लोग ना थोड़ी बच्चे अभी जो बच्चे लोग आ रहे हैं ना उनका जीवन बहुत गड़बड़ी जीवन है बड़े दुखमय जीवन है ये लोग सोच रहे साथ इंटरनेट मोबाइल पैसा कमा कर ना सुखी ले जाएंगे नहीं भैया रावण जैसे व्यक्ति सुखी नहीं रह पाया हम कितने पैसा कमाएंगे कितने पैसा कमा कर सकते हैं उसका सारे घर सारे तो सोने ही बना हुआ है सोने भी बनी हुई थी उनकी कितने पत्नी मंदोदरी जैसे ऐसे एक रंभा और बस मैंने कहा पकड़ करके उसने लाया वो सब दुनिया बस के पास सुखी नहीं रह सका हम कितने पैसा कमाएंगे कितने सुंदर स्थिति होगा हमारे हम सुखी रहेंगे इसलिए हरि विमुख होकर सुख नहीं पाओ भगवान से विमुख होकर सुख नहीं सकता ठीक है इसलिए देखो पांच दिन तक हम लोगों ने यहाँ कथा किया हमारे श्री नितिन प्रभु जी और हमारे श्री बैखाना से महाराज यहाँ के ब्रह्मचार्य लोग बड़ी उन लोग ने इनका नींद खराब हुई आज तो बहुत नींद खराब हुई भक्त लोग प्रसाद पाएंगे फिर इनका बर्तन वर्तन बल्ले भी हाँ और ये कथा में फिर कुछ कुछ भक्त लोग ने कुछ कुछ प्रसाद दिया है कुछ कुछ भक्त लोग ने प्रसाद दिया है भगवान उनको घर में आशीर्वाद और कृपा करे और आज का दिन भी हमारे कौन कौन प्रसाद दिया आज के दिन गीताजलि और अशोक प्रभु चावल लेके कौन आए एक माता जी लेकर इसलिए हाँ इसमें कोई तन से कोई मन से धन से हर तरह से आप लोगों ने सब सेवा की है इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने सब तरह से सेवा की हो जो कथा सुनने के लिए आए हो आप लोग भी अगर आप कथा सुनने के लिए नहीं आए तो कथा किसको सुना है इसलिए आप सभी के लिए जो ताली बजा दो और इसमें हरे कृष्ण फिर हमको बुलाने के लिए चंदन प्रभु जी हमारे माध्यमिक दीदी उन लोगों ने हमारे प्लेन का टिकट भर करके और डॉक्टर को पास में ले गए लेकिन वो सब चेकअप उन्होंने बहुत ही सलाह किया इसलिए इनके लिए जोरदार हम गुरु वैष्णव ठाकुर से प्रार्थना करते हैं इसलिए आप सबको ठाकुर जी भक्ति दे और शांति सुख दे गुरु वैष्णव की सेवा करें और जीवन में सुखी रहो ठीक है और आप लोग कोशिश करना जितना दूर हो सकता है ना भजन भी करना आपको जो आस पास का जो लोग हैं उनको भी थोड़ी सी भजन की बात में बताओ ऐसे नहीं खुद भजन करो खुद हमारे से हरिदास ठाकुर को जो पूछा इतने जोर जोर से क्यों हरिनाम करते हो देखो जोर जोर से हरिनाम करने से लता पता पेड़ पौधा वो भी भजन नहीं कर सकते उनको कानों में भी जब ठाकुर का नाम पड़ेगा इनका उद्धार होगा उसी तरह प्रहलाद कहते हैं नारद जी को अगर आप प्रचार नहीं करते ना मैं राक्षस का बालक राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ है अगर आप हरि कथा नहीं सुनाते मेरी माँ को मैं कभी भगत नहीं बन सकता इसलिए उन लोगों को तो मैं हम धन्यवाद देता हूँ जो लोग भगवान की कथा प्रचार करके और जीवों को भगवान की भजन में लाते हैं देखो ध्यान देकर सुनो प्रभुपाद क्या कहते हैं बोले माया में जो फंसे हुए जीव है एक जीव को अगर किसी तरह से भगवान की कथा सुना करके एक व्यक्ति को प्रभु के भजन में अगर कोई लगा दिया प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे करोड़ों करोड़ों स्कूल और कॉलेज खोल दे
है उसमें जो पुण्य मिलेगा, अगर एक व्यक्ति को प्रभु की भजन में कोई लगा देता है उससे करोड़ गुण ज्यादा फल मिलेगा। अगर एक व्यक्ति को भजन में लगा दे, प्रभुपाद इतनी बड़ी बात कह दी, अगर एक व्यक्ति को समझा बुझा कर प्रभु का भजन में लिया है, इसीलिए इतने, क्योंकि सब जी भगवान के, हम सब भगवान के संतान, लेकिन संतान अगर दुख भोग करे पिता माता कभी सुखी नहीं रहते, पिता माता तभी सुखी रहते जब बच्चे सुखी रहे हैं। इसलिए हमारे पिता माता को भगवान जब देखेंगे, आप किसी बच्चे को भजन में ले आए तभी सबसे बड़ा परोपकार आपने किया, ठीक है ना। इसलिए स्वयं भजन करें, सबको भगवान की कथा सुनाओ और सबको भगवान के भजन में सब लगाओ, ठीक है। ललिता गौर प्रेमानंद बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।